अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें अनीताज़ किचन चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं रेसिपीज़ डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल अनीताज किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ सूजी के गोलगप्पे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसके पानी और मसाले की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रीडियंट्स। सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए, गोलगप्पे का डो बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप बारीक सूजी, 3 बड़े चम्मच तेल और पानी आटा गूंदने के लिए। गोलगप्पे की स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 उबला हुआ आलू, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, अनार के दाने, हरा धनिया और गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप इस चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम पुदीना, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 हरे मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 5 से 8 बड़े चम्मच इमली का पानी, 2 छोटे चम्मच चाट मसाला, बूंदी और 1 लीटर पानी। सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 कप बारीक सूजी ले लीजिए। अब हम इसके अंदर 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट में ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक बिल्कुल सॉफ्ट आटा रेडी कर लेंगे। जैसा आटा आप पूड़ी बनाने के लिए रेडी करते हैं उससे भी थोड़ा सा सॉफ्ट आटा आपको रेडी करना है। तो यहाँ पर आटा जो है रेडी हो गया है। अब हम इसे ढककर 1/2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये जो सूजी है वो फूल के सेट हो जाए। तब तक हम इसका पानी बनाते हैं। तो गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर जार में 50 ग्राम धनिया डालिए। धनिया के साथ ही 50 ग्राम पुदीना भी डाल दीजिए। अब हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे। तो ये 1 छोटा चम्मच काला नमक इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च पाउडर जो है काफ़ी तीखा है, घर में ही पीसा है, इसीलिए मैं इसमें सिर्फ 1 छोटा चम्मच ही डाल रही हूँ। इससे ही पानी काफ़ी तीखा बन जाएगा। अब हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। इसके साथ ही 2 हरे मिर्च, 2 हरे मिर्च को तोड़ के डाल देंगे और ये 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर नहीं है तो आप 1/2 चम्मच जीरा ही डाल दीजिए। अब इसके अंदर पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। तो ये जो है सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने पीस लिया है अच्छे से। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच ये इमली का पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी डाल देंगे। अब आप इस टेस्ट पर चेक कर लीजिए कि कोई मसाले या फिर इमली का जो पानी है वो कम तो नहीं है टेस्ट में, और उसके अकॉर्डिंग आप मसाले भी बाद में डाल सकते हैं। यहाँ पर इमली का पानी मुझे कम लग रहा है तो मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच इमली का पानी और डाला है। मैंने इसमें टोटल 5 बड़े चम्मच डाला है। आप चाहें तो 6 से 7 बड़े चम्मच आराम से डाल सकते हैं। अब इसके अंदर बूंदी डाल दीजिए ऊपर से। अब हम इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है चाट मसाला। तो इसके अंदर 2 छोटे चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए। चाट मसाले से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छे से बढ़ जाता है और चाट मसाले के बिना ये पानी बिल्कुल अधूरा है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। पानी जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो चलिए, पानी को रख दिया है फ्रिज में और अब बनाते हैं मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 आलू को उबाल लिया है और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसके अंदर 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हरा धनिया भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मेरे पास उबले हुए छोले अवेलेबल नहीं थे तो मैंने वो नहीं डाले हैं। आपके पास हो तो आप बिल्कुल ज़रूर डालिए इसके अंदर।
यहाँ पर आधा घंटा हो गया है, आटा सेट हो गया है। अब हम इस आटे को चकले पर निकाल लेंगे और इसे इस तरीके से हथेली की मदद से आप देख सकते हैं ऐसे अच्छे से गूंदना है 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये आटा चिकना और बिल्कुल प्लेन नहीं हो जाता। हमने जब इसे 30 मिनट के लिए रखा था रेस्ट होने के लिए, तब जो सूजी है वो फूल गई थी अच्छे से, और अब जब इस तरीके से इसे गूंदेंगे तो ये जो है आटा बिल्कुल चिकना हो जाएगा बहुत ही आसानी से। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बस हो जाएगा। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल प्लेन हो गया है, एकदम ऐसा एकदम शाइनी आटा हमें चाहिए। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे, तो ऐसे बॉल्स बनाकर रखते जाइए। ज़्यादा बड़ी बॉल्स मत बनाइएगा, गोलगप्पे फिर वो लगते नहीं हैं। ये देखिए, यहाँ पर बॉल्स रेडी हैं। ऐसी शाइनी बॉल्स होनी चाहिए, कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे प्लेन शाइनी होनी चाहिए। सारी ऐसे ही बॉल्स बनाई हैं मैंने। चलिए अब गोलगप्पे बनाते हैं। तो गोलगप्पे बनाने के लिए यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब गोलगप्पे बनाना शुरू करें। और जैसे एक बॉल ली और इसे हथेली की मदद से इस तरीके से दबा दिया और यहाँ पर ये रेडी हो गया है। ये देखिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए ताकि गोलगप्पा जो है फूले तो नीचे से उसका बेस जो है वो थोड़ा मोटा रहे। या फिर आप इस तरीके से इसे चकले से भी बेल सकते हैं, सॉरी बेलन से बेल सकते हैं इसे। ये देखिए, इतना ही मोटा होना चाहिए। मैं इसे जल्दी जल्दी हथेलियों की मदद से ही रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये रेडी हो गए हैं। अब गरम तेल में इन्हें डाल दीजिए। इन्हें गरम तेल में इसलिए डाला जाता है क्योंकि गरम तेल में ही ये अच्छे से जल्दी फूलते हैं। ये देखिए, सारे अच्छे से फूल रहे हैं। जब आप इन्हें डाल दें तब आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकाएं। ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल्दी से पक जाएंगे और फिर बाद में सॉफ्ट रह जाते हैं कुछ, तो इसीलिए इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाएं और थोड़ा देर तक पकाएं। ये देखिए, ये रेडी हो गए हैं। ये एक गोलगप्पा जो है रेडी नहीं हुआ है, मैंने वापस डाल दिया इसके अंदर। इन्हें ध्यान रखें टिश्यू पेपर पर निकालें क्योंकि तेल जो है काफ़ी भर जाता है इनमें, तो अच्छे से छान कर इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए। ऐसे ही बाकी के गोलगप्पे भी रेडी कर लीजिए। इन गोलगप्पों को फ्राई करते वक्त एक बात का ध्यान रखें, कोशिश करें कि एक जो साइड है वो थोड़ी लाइट ब्राउन हो और जो दूसरी साइड है वो थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो, तो तभी गोलगप्पे दिखने में जो है परफेक्ट लगते हैं। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऐसे पलट पलट कर इन्हें फ्राई कर लीजिए या फिर इनके ऊपर तेल डाल डाल कर फ्राई कर लीजिए। मीडियम से लो फ्लेम पर फ्राई करें जब ये अच्छे से फूल जाए उसके बाद, ताकि ये देर तक फ्राई हो और बिल्कुल क्रिस्पी बने। ये देखिए, ये भी यहाँ पर रेडी हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। ये देखिए, कितने अच्छे क्रिस्पी फ्राई हुए और अच्छे से फूले हैं। तो ये बाकी के दूसरे भी गोलगप्पे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने सारे गोलगप्पे रेडी कर लिए हैं। इन्हें अच्छे से झरा कर टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए। तो ये यहाँ पर सारे गोलगप्पे रेडी कर लिए हैं। और ये जो गोलगप्पे फूले नहीं हैं, इनके आप पापड़ी चाट बना के खा सकते हैं मीठी चटनी के साथ। और जो बाकी के गोलगप्पे फूले हैं, तो चलिए उनसे गोलगप्पा चाट बनाना दिखाती हूँ। तो पहले ये देखिए, कितने क्रिस्पी हैं ये गोलगप्पे, बिल्कुल बाहर जैसे। अब हम इसके अंदर ये मसाला डाल देंगे जो हमने रेडी किया है। मसाले में प्याज का जो क्रंच आता है वो भी बहुत टेस्टी लगता है।
अब हम इसके अंदर अनारदाने डाल देंगे। अब बाहर तो अनारदाना नहीं डालते हैं, बट हम घर में बना रहे हैं तो ज़रूर डालें, बिकॉज़ इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर ये गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, 5 मिनट में बन जाती है ये रेसिपी। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम इसके अंदर गोलगप्पे का पानी डालेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर डिलीशियस गोलगप्पा बिल्कुल रेडी है। और इसे घर में बना के खाएं ताकि ये साफ़ सुथरा और अच्छा लगे। आप जितने मर्ज़ी खा सकते हैं घर में बनाकर, बाहर का थोड़ा अनहेल्दी होता है। तो लीजिए, यहाँ पर ये गोलगप्पे जो है बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे फिर से अगले मंडे को एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।